मानव तस्करी यौन उत्पीड़न की शिकार महिला की आशा है अजीत सिंह। अजीत सिंह के ऐसे नेक काम के लिए एक लाइक तो बनता ही है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले अजीत सिंह, ये वो नाम है जिसे आज तस्करी या फिर वैश्यावृत्ति के दलदल में फंसा इंसान जरूर याद करना चाहता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिर कौन है अजीत सिंह। आज से लगभग 30 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी बीए की पढ़ाई करने वाले अजीत सिंह अपने चचेरे भाई की शादी में गए थे। अजीत शादी के समय जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहां बारात रुकी है वहीं पर एक मंच बना हुआ है और उस मंच पर कुछ लड़कियां नाच रही हैं, जिनको हर इंसान ललचाई नजरों से देख रहा था। कोई उन लड़कियों के पास जाकर हवा में गोली चला रहा था तो कोई उन पर पैसे उछाल रहा था। मनोरंजन का इतना भद्दा ढंग अजीत सिंह ने पहले कभी नहीं देखा था जो उस समय वहां हो रहा था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में अभी भी इस तरह शादियों में लड़कियों को बुलाकर चंद पैसों के लिए उन्हें यूं ही मनोरंजन का साधन बनाया जाता है। इन सबके चलते अजीत सिंह को एक दिन खबर मिली कि बनारस के शिवदासपुर रेड लाइट इलाके में लगभग 80 से 90 लड़कियों को मानव तस्करी करके लाया जा रहा है। जिसके बाद अजीत और मंजू ने लगभग 5000 लोगों को इकट्ठा किया और पुलिस को अपने साथ लेकर वहां पहुंच गए, जिसमें इस गिरोह के 40 दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 9 वैश्यालयों पर ताला लगा दिया। इस पूरे घटनाक्रम का टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान अजीत और मंजू को कई बार धमकियां मिली, उन पर झूठे आरोप लगाए गए और कई फर्जी केस भी दर्ज किए गए। 1993 में अजीत ने स्वयंसेवी संस्था गुड़िया की शुरुआत की और इस संस्था ने अब तक लगभग 1400 लोगों से ज्यादा बंधुआ मजदूरी और वैश्यावृत्ति वाली लड़कियों को बचाया है। आज इस संस्था द्वारा बचाई गई महिलाओं ने मिलकर पारंपरिक संगीत व कला प्रदर्शनी की शुरुआत की है। इस दल ने अब तक भारत के कई नामी मंचों पर अपनी कला की प्रस्तुति दी है, साथ ही अब तक न जाने कितने लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई है। इससे इन महिलाओं को जीवन यापन करने के लिए एक रोजगार का जरिया मिला। गुड़िया संस्था ने अब तक 1000 से ज्यादा बच्चों की शिक्षा में मदद की है, साथ ही लगभग 350 बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तो अजीत सिंह जैसे नेक दिल आदमी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।